हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। आज हम आपको हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता से रिलेटेड कुछ 60 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तथा इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस तो इसे हर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ये जेनेटिक्स के अंतर्गत आती है। हमारा पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। इसका आंसर है ग्रेगोर जॉन मेंडल। सेकंड क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। इसका आंसर है मटर के पौधे को, जिसको गार्डन पी भी कहते हैं, तथा इसका बोटेनिकल नेम पाइसम सेटाइबम है। थर्ड क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने वर्ष तक प्रयोग किया। इसका आंसर है 7 वर्षों तक। सो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे, सन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में ऑगस्टीन ईसाइयों के पादरी ग्रेगोर जॉन मेंडल ने वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवांशिकी की नींव डाली, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हमारा मेंडल ने अपने प्रयोगों तथा निष्कर्षों को ब्रून की किस एक सभा में प्रस्तावित किए। इसका आंसर है हमारा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून। इन्होंने 1865 में ब्रून की इस सभा में अपने प्रयोगों तथा निष्कर्षों को प्रस्तावित किया। फिफ्थ क्वेश्चन है, हमारा वंशागति पर मेंडल की खोज का वर्णन तथा परिकल्पनाएं किस पत्रिका में छपी। तो इसका आंसर है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। 1866 में इस पत्रिका में मेंडल की खोज का वर्णन तथा परिकल्पनाएं छपी थीं। सिक्स क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक इन नियमों पर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। इसका आंसर है 34 वर्षों तक। सेवेंथ क्वेश्चन है, सन 1900 में किन वैज्ञानिकों का इन खोजों पर ध्यान गया। इसका आंसर है कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज, एरिक बॉन सरमैक। एट्थ क्वेश्चन है, मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम दिए। इसका आंसर है 3 नियम दिए। फर्स्ट है हमारा प्रभाविता का नियम, सेकंड है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, थर्ड है हमारा स्वतंत्र अभ्युन का नियम, इस यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाइन्थ क्वेश्चन है, ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं। इसका आंसर है संकर यानी हाइब्रिड। टेंथ क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। इसका आंसर है मटर फसली वनस्पति है यानी एनुअल वनस्पति है। सेकंड है इसके पौधे की आयु 3 से 4 महीने होती है, जिसे इसकी कई जनरेशन का अध्ययन कर सकते हैं, तथा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्षमता होती यानी स्व परागण की क्षमता होती है। 11 क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्द के रूप में जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। इसका आंसर है बेटसन। इन्होंने 1905 में पारिभाषिक शब्द के रूप में जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। 12 क्वेश्चन है, जीन उत्परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, यानी जीन में म्यूटेशन से उत्पन्न होने वाली डिजीज कौन सी है। इसका आंसर है बड़ांधता पहला, सेकंड है हीमोफीलिया यानी कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। 13 क्वेश्चन है, एक बड़ांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते। इसका आंसर है लाल व हरे रंग में। 14 क्वेश्चन है, बड़ांधता को किस और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर है लाल हरा अंधापन यानी रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस नाम से भी इसको बढ़ांधता को जाना जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस को। 15 क्वेश्चन है, हमारा बढ़ांधता का वर्णन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया। इसका आंसर है हॉर्नर। इन्होंने 1876 में नाइट ब्लाइंडनेस का वर्णन किया था। 16 क्वेश्चन है, हमारे एक बढ़ांध पुरुष की शादी सामान्य नारी से हो जाती है तो उनकी कैसी संतानें उत्पन्न होंगी। इसका आंसर है पुत्र सामान्य होंगे तथा पुत्रियां बाहक होंगी। 17 क्वेश्चन है, हमारे एक सामान्य व्यक्ति में चोट पर औसतन कितने मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है। इसका आंसर है 2 से 8 मिनट में।
18 क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया के रोगी में रुधिर का थक्का नहीं जमता किस तत्व यानी फैक्टर के कारण? इसका आंसर है फैक्टर 12। 19 क्वेश्चन, यदि हीमोफीलिक व्यक्ति का उपचार समय पर न किया जाए तो क्या होगा? इसका आंसर है अत्यधिक खून बहने के कारण रोगी मर जाएगा। 20 क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज किसने की थी? इसका आंसर है कार्ल कोरेंस, इन्होंने 1903 में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज की थी। 21 क्वेश्चन है, कार्ल कोरेंस ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? इसका आंसर है गुलाबांस, जिसको मिरेविलिस जलापा भी कहते हैं। 22 क्वेश्चन है, रुधिर भर्गो की वंशागति का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? इसका आंसर है बर्नस्टीन, इन्होंने 1924 से लेकर 1925 में रुधिर भर्गो की वंशागति का पता लगाया तथा रुधिर भर्गो का की खोज कार्लस्टीनर ने की थी तथा रुधिर भर्गो की वंशागति का पता बर्नस्टीन ने लगाया था। 23 क्वेश्चन है, हमारा ए बी ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है, यह किसने पता लगाया? इसका आंसर है बर्नस्टीन ने। 24 क्वेश्चन है, रुधिर वर्गों की वंशागति को क्या कहते हैं? इसका आंसर है बहुगुण एलिलवाद यानी मल्टीपल एलिलिज्म। 25 क्वेश्चन है, हमारा मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर है 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं एक मनुष्य में। 26 क्वेश्चन है, हमारा मानव में होने वाले जीनी व्यतिक्रमों कौन कौन से हैं यानी जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? इसका आंसर है रंजकहीनता, एल्केप्टोनूरिया एंड फिनाइल थार्बोकार्बामाइड के स्वाद की क्षमता, हसियाकार रुधिराणु एनीमिया एंड फिनाइल कीटोनूरिया यानी एल्बिनिज्म, एल्केप्टोनूरिया एंड एबिलिटी ऑफ टेस्ट फिनाइल थायोकार्बामाइड एंड स्टिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोनूरिया एंड आरएस तत्व या प्रतिजन यानी आरएस फैक्टर और एंटीजन, ये हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। 27 क्वेश्चन है, मानव में त्वचा बालों तथा आंखों की पुतलियों का रंग कौन से रंगा पदार्थ यानी किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर है मेलेनिन पिगमेंट। 28 क्वेश्चन है, हमारा एक रंजकहीन व्यक्ति जिसके शरीर में मेलेनिन पिगमेंट ना हो कौन से लक्षण स्पष्ट होते हैं? इसका आंसर है त्वचा सफेद होगी, बाल सफेद होंगे तथा पुतलियां गुलाबी या लाल होंगी, जो कि रुधिर यानी कि ब्लड कैपिलरीज की वजह से ये गुलाबी या लाल दिखाई पड़ती हैं। 29 क्वेश्चन है, हमारा मेलेनिन पिगमेंट के संश्लेषण के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है टायरोसिनेज। 30 क्वेश्चन है, जन्मजात उपापचय रोग वंशागत होते हैं, सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर जो था वो कौन सा रोग था जिसकी खोज की गई? इसका आंसर है एल्केप्टोनूरिया। 31 क्वेश्चन, हमारा एल्केप्टोनूरिया रोग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर है गैरोड, इन्होंने 1909 में एल्केप्टोनूरिया रोग की खोज की थी। 32 क्वेश्चन है, हमारा एल्केप्टोनूरिया रोग से संबंधित एंजाइम होमोजेंटिसिक अम्ल के रोगी के जोड़ों में जमाव के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इसका आंसर है गठिया का रोग यानी आर्थराइटिस। 33 क्वेश्चन है, हमारा फिनाइल थायोकार्बामाइड के स्वाद की क्षमता कितने प्रतिशत लोगों में नहीं होती है? इसका आंसर है 30%। 34 क्वेश्चन है, हमारा फिनाइल थायोकार्बामाइड के स्वाद की क्षमता का विकास किस प्रबल जीन के कारण होता है? इसका आंसर कैपिटल टी जीन के कारण फिनाइल थायोकार्बामाइड के स्वाद की क्षमता विकसित होती है। 35 क्वेश्चन है, हमारा हसियाकार रुधिराणु एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है, यह किन वैज्ञानिकों ने पता लगाया? इसका आंसर है नील एंड एवं बीट ने, इन्होंने 1949 में स्टिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है यह पता लगाया था। 36 क्वेश्चन है, हमारा फिनाइल कीटोनोरिया से संबंधित एंजाइम फिनाइल एलेनिन के जमाव से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? इसका आंसर है अल्प बुद्धिता यानी मेंटल डिफिशियंसी। 37 क्वेश्चन है, आरएच तत्व या एंटीजन
की खोज किस वैज्ञानिकों ने किस जानवर में की थी? इसका आंसर है लैंड स्टीनर एवं बिनर ने 1940 में रेइसस नामक बंदर में के लाल रुधिराणुओं में इस एंटीजन का पता लगाया था। 38 क्वेश्चन है हमारा, लैंड स्टीनर एंड बिनर ने आरएच एंटीजन को क्या नाम दिया? इसका आंसर है आरएस तत्व या प्रतिजन यानी आर रेइसस फैक्टर, यानी रेइसस तत्व या प्रतिजन। 39 क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर भारतीय लोगों में कितने प्रतिशत लोगों में पाया गया? इसका आंसर है 97%। 40 क्वेश्चन है हमारा, जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर है आरएच सकारी यानी आरएच पॉजिटिव। 41 क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर है आरएच नकारी यानी आरएच नेगेटिव, यानी जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं, आरएच पॉजिटिव, तथा जिन व्यक्तियों में नहीं होता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहते हैं। 42 क्वेश्चन है हमारा, आरएच फैक्टर से संबंधित कौन सा रोग है? इसका आंसर है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग के अंतर्गत जो माता के गर्भ में जो शिशु होता है उसकी मृत्यु हो जाती है आरएच फैक्टर के फैक्टर बनने पर। 43 क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों के लिए कुत्तों की तुलना में मटर के पौधे क्यों उपयुक्त थे? इसका आंसर है मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्व परागण ही होता है यानी सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। 45 क्वेश्चन है हमारा, ग्रेगोर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है आनुवंशिकी के नियम के लिए, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। 46 क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई है? इसका आंसर है जीन, क्योंकि इसमें पेरेंटल कैरेक्टर्स कोडेड रूप में संचित रहते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। 47 क्वेश्चन है, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? इसका आंसर है जीनोटाइप्स। 48 क्वेश्चन है, संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? इसका आंसर है 50%। 50% संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं। 49 क्वेश्चन है हमारा, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? इसका आंसर है फिनोटाइप्स। 50 क्वेश्चन है हमारा, ऑटोसोम होता है? इसका आंसर है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। 51 क्वेश्चन है हमारा, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 46, यानी मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ी पाए जाते हैं तथा इनकी कुल संख्या 46 होती है। 52 क्वेश्चन है हमारा, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में हुआ था तथा ये अगस्टियन ईसाइयों के पादरी थे तथा इन्होंने चर्च के ही गार्डन में स्वीट पी को उगाया जिस पर इन्होंने अपने आनुवंशिकता से रिलेटेड प्रयोग किए तथा निष्कर्ष निकाले। 53 क्वेश्चन है, किस कारण वर्णांधता का विकास होता है? इसका आंसर है आनुवंशिकी। 54 क्वेश्चन है हमारा, मानव में वर्णांधता का जीन किस गुणसूत्र में होता है? इसका आंसर एक्स, यानी एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन होता है। 55 क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के अनुसार कौन सा रोग हीमोफीलिया जैसा है? इसका आंसर है वर्णांधता। वर्णांधता की वंशागति हीमोफीलिया रोग की तरह होती है इसलिए आनुवंशिकी के अनुसार हीमोफीलिया रोग जैसा वर्णांधता रोग है। 56 क्वेश्चन है हमारा, वर्णांधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस के वाहकों का काम कौन सा व्यक्ति करता है? इसका आंसर है स्त्रियां। स्त्रियां नाइट ब्लाइंडनेस की कैरियर होती हैं। 57 क्वेश्चन, रंजकहीनता होती है? इसका आंसर है सुप्त लक्षण। 58 क्वेश्चन है हमारा, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर है लैंड स्टीनर है बिनर, इन्होंने रेइसस नामक बंदर में आरएच फैक्टर की खोज की थी तथा इन्होंने इसको नाम आर रेइसस तत्व दिया था तथा जिन लोगों में आरएच फैक्टर होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं तथा जिन लोगों में नहीं होता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहते हैं।
59 क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम का कारण होता है, इसका आंसर है लिंग सूत्र एनुप्लाइडी। 60 क्वेश्चन है, हमारा डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होता है, इसका आंसर है गुणसूत्रों के अभियोजन में, यानी नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज गुरुजी एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, इससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक्स।